नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच देने जा रही हूँ। आज मैं आपको द पावर ऑफ फोकस और गोल सेटिंग के बारे में बताऊंगी। अगर आप इस चैनल में नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे और हौसला बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। कृपया इस हिंदी स्पीच को शुरू से आखिरी तक ध्यान से सुनिए, तभी आपको पूरी बात क्लियर हो पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में खुद के लिए सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ फोकस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बिना फोकस के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि फोकस क्या होते हैं। व्हाट इज़ फोकस? इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि आपके सामने बहुत सी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। अब इन बिखरी हुई चीज़ों को यदि एक जगह एकत्रित या कलेक्ट कर लिए जाए तो इस प्रोसेस को ही फोकस करना कहेंगे। अर्थात जब बहुत सी चीज़ें आपके सामने बिखरी हुई थी, तब आप कभी किसी एक चीज़ को देखते थे तो कभी दूसरी या फिर तीसरी चीज़ को देखते थे। आप किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने सभी चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह रख दिया तो अब आप सभी को एक साथ ध्यान से देख पाएंगे। इसे ही फोकस होना कहते हैं। अब इस फोकस करने के तरीके का उपयोग आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाना चाहिए। सफलता पाने के लिए यहाँ आपको दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। पहले तो आप खुद हैं, क्योंकि सफलता आपको प्राप्त करनी है, और दूसरी यहाँ दुनिया या जीवन है जहाँ से आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब यदि सफलता प्राप्त करनी ही है तो आपको खुद पर भी फोकस करना है और इस दुनिया या जीवन पर भी फोकस करना है। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी और आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। अब आप सोचेंगे कि फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा। What should you do to be focused? कैसे करने होंगे? How to do it? और क्या ऐसा कर पाना सरल होगा? Is it very easy to do it? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बात बता देती हूँ कि आप खुद को और अपने बाहरी जीवन को बहुत आसानी से फोकस कर सकते हैं। अब आप कृपया इस प्रोसेस को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने बाहरी जीवन को फोकस में लाना होगा और कोई एक गोल सेट करने होंगे। इसके लिए आप अपने जीवन या बाहरी दुनिया को एक वृत्त या फिर सर्कल के रूप में मान लीजिए। अब जब आप इस सर्कल की तरफ देखेंगे तो कभी आपकी नज़र सर्कल के ऊपर पार्ट पर जाएगी तो कभी नीचे वाला हिस्से या फिर लोअर पार्ट पर जाएगी। कभी आपकी नज़रें सर्कल के लेफ्ट में होंगे तो कभी राइट में होंगे। अर्थात कुल मिलाकर आप अपनी नज़र को सर्कल के किसी एक पार्ट पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे और आपकी नज़र सर्कल पर जगह जगह भटकेगी या फिर डिसकंसंट्रेट रहेगी। लेकिन यदि आप इस सर्कल को एकत्रित करते जाएंगे, अर्थात छोटा करते जाएंगे, तो छोटा होते होते यहाँ सर्कल एक बिंदु या फिर पॉइंट के रूप में हो जाएंगे। अब जब आप इसे देखेंगे तो आपकी नज़र केवल उस बिंदु को ही देख पाएंगे और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। दोस्तों, इस स्थिति को ही फोकस में होना, बी फोकस्ड कहते हैं।
इसी प्रकार जब आप बाहरी दुनिया से अपने लिए गोल सेटिंग करना चाहते हैं, तो कभी हमारी नज़र किसी एक गोल पर पड़ती है तो कभी दूसरे गोल पर पड़ती है, कभी तीसरे पर पड़ती है तो कभी चौथे पर। ऐसे स्थिति में आप भटक जाते हैं और अपना ध्यान या फिर कंसंट्रेशन किसी एक गोल पर नहीं रख पाते। अब आपको करना यहाँ है कि गोल्स की दुनिया को छोटा करना है। इस दुनिया को छोटा करते समय जो गोल्स आपको पसंद नहीं है उन्हें छोड़ते जाना है, और तब तक छोटा करना है जब तक आपका सबसे पसंद का कोई एक गोल आपका सामने ना आ जाए। अब जब एक गोल रह जाए तो इसे ही फोकस होना और बेफोकस्ड होना कहते हैं। अब आपका ध्यान या फिर कंसंट्रेशन केवल और केवल अपने मनपसंद गोल पर ही फोकस होंगे, अर्थात आपको होने के लिए अपनी बाहरी दुनिया में किसी एक चीज अर्थात वन गोल पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। आपने अपने लिए कोई ना कोई गोल जरूर सेट किए होंगे। यदि आपने अभी तक कोई गोल नहीं सेट किया है तो आज ही सेट कीजिए। जब आपका गोल सेटिंग हो जाए अर्थात बाहरी दुनिया में आपका मन किसी का एक चीज पर फोकस हो जाए जिसके द्वारा आपको सफलता प्राप्त करनी है, अब आपको खुद की ओर ध्यान देना है। इसके लिए आपको अपने अंदर की दुनिया या फिर इनर स्पिरिट और लाइफ अर्थात खुद पर फोकस करना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी शक्तियों या पावर्स का एहसास होने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ भी फील करेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, धैर्य है, पेशेंस, इच्छा या फिर डिज़ायर है और बहुत सी स्किल्स भी हैं। यह ध्यान रखना है कि आपको केवल अपनी अच्छी शक्तियों पर ही ध्यान देना है। आपको अपनी इन सभी शक्तियों को पहचानना है और इन सभी को सिमट कर अपने माइंड में एक जगह इस तरह एकत्रित कर लेना है जैसे हजारों सूर्य की किरणों एक जगह अटकी गई हो। यहाँ जब भी आपके अंदर एकत्रित हो जाएंगे तो उनकी बहुत अधिक पावर होंगे। अब इस स्थितियों में आप अंदर से भी फोकस हो जाएंगे। जब आप बाहर और अंदर दोनों जगहों से फोकस्ड हो जाएंगे तब आपको अपने अंदर की सभी फोकस्ड पावर को अपने बाहर के फोकस्ड गोल पर कंसंट्रेट कर देना है। यह वह स्थिति होंगी जब आपको केवल आपका मनपसंद गोल दिखाई दे रही होगा और आप उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की सभी शक्तियों या फिर इनर पावर्स को एक साथ उस गोल के पूरा करने में उपयोग कर रहे होंगे। ऐसे में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने स्वामी विवेकानंद के इन जादुई शब्दों या फिर मैजिक वर्ड्स को जरूर सुने होंगे। अनेकों में से एक विचार लो, उस विचार को अपना लक्ष्य या गोल बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने दिमाग, मन, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से और अपनी समस्त शक्तियों को उस विचार में डूब जाने दो तथा बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफलता होने का तरीका है। विवेकानंद जी का यहाँ विचार भी फोकस के बारे में ही बताता रहता है। सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि
की अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके अपने गोल पर फोकस करो, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अब ना तो आप बाहर की किसी चीज़ से भटकेंगे और ना ही आप अपने अंदर से भटकेंगे, और जब भटकेंगे नहीं तो फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा। विश्वास कीजिए, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। फोकस्ड होना बहुत सरल है, आप इसे उपयोग करके देखें। आप साधारण इंसान से एक विशेष इंसान बन जाएंगे। अब जब भी किसी चीज़ से सफल होना हो तो अपना टोटल फोकस उस चीज़ की तरफ लगा दें, सफलता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो तुरंत अपनी शक्तियों को प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पर फोकस कर दें, बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। मेरे इस स्पीच को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति और अनेक प्रकार के वर्क करने वाले लोग होंगे, सभी से मेरा यही कहना है कि बहुत सी चीज में ना भटके बिल्कुल एक मनपसंद चीज या गोल के लिए, और उसको अपना जीवन लक्ष्य बनाकर उस पर फोकस कर लें। ध्यान रखिए, आप हजारों चीज़ों के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट केवल किसी एक में ही हो सकते हैं। जिस तरह मछली तैरने में एक्सपर्ट हो सकती है, लेकिन कितना भी चाहे लेकिन उड़ नहीं सकती, वहाँ केवल उड़ने के बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इस स्पीच मैं यहीं पे रखती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्पीच बहुत पसंद आए होंगे और इससे आपको कुछ सीख मिले होंगे। तो अगर आप मेरा ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।